हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 31 डेटेड 14 सितंबर 2020, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे थे जयप्रक्रम, और जयप्रक्रम के इस वर्कशीट में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है जो आपका प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन सी। पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ये भी शॉर्ट आंसर है आपका, एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, श्वसन क्रिया में ATP किस प्रकार बनता है? तो आप इसका आंसर बच्चों इस तरीके से करेंगे, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP के अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के पूर्ण होने में ईंधन की तरह कार्य करती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, श्वसन क्रिया में ATP किस प्रकार बनता है? तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है, आव्यवीय श्वसन यीस्ट में होता है। ठीक है, आव्यवीय श्वसन यीस्ट में होता है, ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्सर्जित तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसमें इन्होंने आपको दिए हैं चार ऑप्शन, तो आपको लिख देना है, तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रोन, यानी कि वक्राणु। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रोन। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर, अरे रुधिर को रोकती हैं वो कौन सी होती है? आपको पता ही होगा, जो चोर के सर पर दिल को रोकने में सहायक है, वो होती है, आप इसको छोड़िए, आप इसको लिखिए प्लेटलेट्स। ठीक है, जो रक्त कणिकाएं जो चोट से सर रोकने में सहायक है, मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है आप इस तरीके से लिखिए इसको, मैं बताती हूँ आपको। ये है रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर, ठीक है, वो बच्चों हिंदी में लिखने में मिस्टेक हो गई, कि रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर भी आप सी को टिक करेंगे। ठीक है, वाक्य पूर्ण कीजिए। अब ये वाक्य पूर्ण करना है, लसिका रुधिर के डैश के समान है, लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। ठीक है, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। ओके, चलते देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। 8th क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी पौधे के जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? अगर हम जाइलम निकाल दें किसी पौधे का तो उसका क्या होगा? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो पौधे की मृत्यु हो जाएगी, मतलब कि वो पौधा सूख जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर 8th क्वेश्चन का। अब 9वां क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, तो इसका आंसर आप बच्चों ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, फुफ्फुस का आंसर आपका फुफ्फुस धमनी रुधिर वाहिका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला क्या है इसका, यानी कि 9वें का आपका ए आंसर, अभिकथन ए, रुद्र पत्ती की तरह सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। ये आपको कारण दिया है, उसके बाद
आपको ये दो ऑप्शन दिए हैं, तो उसके आप बताइए कौन सा सही है। तो बच्चों दसवें का ए ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है, दसवें का ऑप्शन ए ठीक होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? जब हम डालते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वो मीठा स्वाद देने लगता है, उसका कारण क्या है? तो ये आपके लघु उत्तरीय हैं, थोड़े से बड़े लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, जब हम एक ब्रेड का टुकड़ा चबाते हैं, चलाते नहीं चबाते। बच्चों लिखने में प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जल्दबाजी में वीडियो बनानी पड़ती है, फटाफट से लिंक आए हैं, आप लोग डिमांड करने लगते हैं आंसर्स दो, तो इसलिए मैंने फटाफट से वीडियो बनाई है। क्योंकि हमारे लार में एक एंजाइम होता है, लार रस, इसको बोलते हैं स्लिवरी एमिलेस, ठीक है। यह एंजाइम स्टार्च को माल्टोज नाम के छोटे शर्करा में तोड़ता है, इसलिए हर वो खाद्य पदार्थ जिसमें स्टार्च होता है, जैसे कि रोटी है, चावल है, खाने पर मिठास का अनुभव देते हैं। तो आज पता चला कि आपको ब्रेड मीठे क्यों लगते हैं। वैसे तो हमने ये वर्कशीट में पहले भी पढ़ा है, जो आपकी जय प्रक्रम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसके क्या कार्य हैं? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। करना संशोधित कर लो इसको बच्चों, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना, भूनी अवस्था में यह रक्त बनाने का भी काम करता है। तो ये होते हैं आपके यकृत के मेन कार्य, ठीक है बच्चों। तो ये लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जो दूसरा है आपका लघु उत्तरीय। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली तीन घटनाओं की सूची बनाइए। तो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली तीन घटनाओं की सूची आप इस तरीके से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आप देख लेते हैं जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दीर्घ रोम के क्या कार्य हैं? तो दीर्घ रोम के आप कार्य लिखेंगे बच्चों ये, दीर्घ रोम बिना पचा हुआ भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। बच्चों आज मैं आपके लिए जो आंसर लेके आई हूँ, यहीं तक लेके आ पाई हूँ, क्योंकि अभी मुझसे अभी तक मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर कर पाई हूँ। हो सकता है कि आगे मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं फिर उसके लिए बनाऊँगी। अभी मैंने इतने ही क्वेश्चंस को सोल्व किया था, आगे के क्वेश्चन देखती हूँ, अगर मैं बना पाती हूँ तो आप लोगों के लिए बना दूँगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आपको और भी वर्कशीट्स के वीडियो चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू।